साथियों, हर चरण के मतदान के बाद अशोल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों कर उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है? क्या क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है, लेकिन दीदी का मंत्री कैमरा के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है, ये गुंडागर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत? दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे। दीदी लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा। दीदी आपको जाना होगा। दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है दीदी। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। ये बंगाल की जनता ने ठान लिया है। ये बंगाल की जनता आपको निकाल करके ही दम लेने वाली है। और दीदी ये भी याद रखिए, आप अकेली नहीं जाएगी। दीदी, ओ दीदी, आप अकेली नहीं जाएगी। आपके पूरे गिरोह को ये जनता हटा करके रहने वाली है। आपके साथ साथ ये तोलाबाज भी जाएंगे। आपके साथ साथ ये सिंडिकेट को भी जाना है। आपके साथ साथ जाएगी नॉर्थ बंगाल से भेदभाव करने वाली आपकी दुर्नीति भी जाएगी।
आपके साथ साथ जाएगी। बंगाल से वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति जाएगी।